चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की कार्रवाई को 13 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, कार्रवाई को जो है 13 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्षी सांसदों का हंगामा जो है बड़ी ही जोरदार तरीके से हुआ। इतना ही नहीं, विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर भी जो है जेपीसी की मांग की है और सभापति पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। तो बड़ा ही जोरदार हंगामा यहाँ पर राज्यसभा में देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्रवाई और आरोप जो है बड़े लगे हैं उन पर। तो आरोप लगने पर सभापति जगदीप धनखड़ का भी रवैया जो है सख्त नजर आया, उनको भी काफी ज्यादा गुस्सा आया। इसके लिए 13 मार्च तक की ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और लोकसभा में राहुल गांधी को नोटिस भी दिया गया। वहीं बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होगा। 13 मार्च तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आरोप जो है जगदीप धनखड़ लगे कि वो दबाव में आकर जो है काम कर रहे हैं, उस पर उनका भी गुस्सा जो है देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसके चलते 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा की कार्रवाई को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्षी सांसदों का हंगामा हुआ, साथ ही कई मुद्दे थे ऐसे जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया, जिस पर जो है कार्रवाई को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।